हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन। तो एक और अपडेट के साथ मैं वापस आ गया हूँ आपके सबके पास। तो अपडेट आ रही है एकेटिव की तरफ से। ये एकेटिव स्टूडेंट्स के लिए है अपडेट स्पेशली। ये एकेटिव ने एक नया सर्कुलर रिलीज किया जस्ट जब ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब आज सुबह का ये सर्कुलर है। तो मैं सोचा आपको अपडेट कर दूँ कि सर्कुलर के अंदर ऐसा क्या है। तो इस सर्कुलर के अंदर ना चैलेंज इवोल्यूशन और रिजल्ट से रिलेटेड खबरें हैं। तो आइए आपको बिना देर के सीधा सर्कुलर की तरफ ले जाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया है, तब जाके आप आगे देखिए। तो चलिए आपको ले चलता हूँ कि क्या सर्कुलर है और क्या अपडेट है, उस तरफ आपको ले चलता हूँ। सर्कुलर ओपन करते हैं तो ये देखिए सर्कुलर आ रखा है। आप अगर यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, डेट भी दिख रही होगी आपको। ये देखिए डेट कब की है, 11 अक्टूबर 2022, यानी कि आज की डेट की है ये सर्कुलर। तो सर्कुलर में देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए कि सम सेमेस्टर 2021-22 द्वितीय चरण की परीक्षा जो 29 जुलाई से लेकर 23 अगस्त के मध्य आयोजित की, यानी जो पिछली अभी इवन सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनकी बात कर रहे हैं। उक्त परीक्षा में, देखिए ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, उक्त परीक्षा में जिन छात्रों के परीक्षाफल घोषित हो चुके हैं या घोषित हो रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब इनका एकेटिव की तरफ से फुल प्लानिंग है कि रिजल्ट वो डिक्लेयर करने वाले हैं, मतलब कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट। तो उनको भी अभी वो सियोरिटी नहीं, मतलब उन्होंने रिजल्ट मेरे हिसाब से सारे अपलोड कर दिए हैं, चाहे वो MBA का रिजल्ट हो, चाहे बी फार्मा का हो, चाहे BTech का हो। तो वो स्लोली स्लोली आएगा इस सर्कुलर इस लाइन से, तो यही समझ में आ रहा है कि वो सबका रिजल्ट अब आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उक्त परीक्षा में जिन छात्रों के परीक्षाफल घोषित हो चुके हैं या घोषित हो रहे हैं, ये घोषित हो रहे हैं इन द सेंस कि इनका कहने का मतलब है कि घोषित उन्होंने अपलोड कर दिया, वो हो रहे हैं। जैसे अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलरेडी BTech फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ चुका है इसका, और 12 बजे आया। इसका मतलब शाम तक जो है कि बाकियों के भी रिजल्ट आएंगे। इसका मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि रिजल्ट उनकी तरफ से पूरी तरह से रेडी है एकेटिव की तरफ से, बस वो समझ लो कि आप रिलीज होने वाला है। तो अब आप देर नहीं होगी रिजल्ट में, आप अब उसके लिए मत टेंशन लेना, रिजल्ट आएगा। तो ये मेनली सर्कुलर इसके लिए नहीं था। सर्कुलर तो इन्होंने ये लिखा है कि मान लो जो छात्र अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, जिनको कॉपी चेक करानी है, रिवॉल्यूशन करना है या अपनी कॉपी देखनी है, ये उससे रिलेटेड है कि क्या रूल है। तो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये देखिए 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसका मतलब हुआ है कि जब मान लो आपका रिजल्ट मान लो आज आ गया, आज है मान लो 12 तारीख को आ गया, तो इसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, आप अपनी कॉपी देख सकते हो, उसके बाद नहीं देख सकते हो। यहाँ पर यही लिखा हुआ पहली लाइन में कि 30 दिन के अंदर केवल सम सेमेस्टर द्वितीय चरण की परीक्षा में बैठने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं, तभी आप देख सकते हैं। और मान लें आपने देख लिया, अब संतुष्ट नहीं हो, तो आप चैलेंज इवोल्यूशन उसके 45 दिन के अंदर कर सकते हैं। मतलब जैसे इसका टाइम 30 दिन हो गया, मान लो इसका टाइम आपके पास है 30 डेज का, तो उसका टाइम जो आप चैलेंज इवोल्यूशन है वो टोटल है 45 डेज का, वो 45 दिन का है। तो 45 डेज के अंदर आप कर सकते हैं कि अगर आप अपने उससे संतुष्ट नहीं है रिजल्ट से। तो यही एक सर्कुलर मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मुझे ये लाइन बहुत वो लगी कि इनकी तरफ से रिजल्ट रेडी हो गया, तो अब आप टेंशन मत लो, अब आपको देखने को मिल जाएगा, सबका रिजल्ट आ जाएगा। तो आज शाम तक मुझे उम्मीद लग रही है कि बी फार्मा का रिजल्ट आना चाहिए। बी फार्मा लोग कमेंट में भी पूछ रहे हैं बी फार्मा, तो बी फार्मा मेरे हिसाब से आज ना बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं शाम तक आज। तो सेकेंड सेमेस्टर वाले रेडी रहें, उनका रिजल्ट आने की संभावना है शाम तक। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही अपडेट जो सबसे पहले आप तक मैं पहुँचाऊंगा तो ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।